चलिए क्या मतलब हम लोगों ने सब प्लीज लुक एट मी, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे वन आप दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने लास्ट टू क्लासेस में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमारी मैक्रो की समाप्ति हो चुकी है, हम लोग मैक्रो की समाप्ति हो चुकी है, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। समाप्ति के बाद फिर हमने इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो, ये करनी है जी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली क्लास में हमने करे थे मल्टीप्लाई के 18 फॉर्मूले, सुनना फिर हाना का जवाब देना, आप नॉट ऐड करके ये लिख के। हमारी जो पहली क्लास थी प्रैक्टिस की, उसमें हमने 18 फॉर्मूले करे थे, छोटे छोटे एपीसी, एपीएस, एमपीएस, एमपीएस, मैंने अपलोड भी कर दिए हैं चैनल पे, एपीसी, एपीएस, एमपीएस, एमपीएस के, और नेशनल इनकम के हमने फॉर्मूले करे थे, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, यस या नो, ध्यान होगा, मल्टीप्लाई के 18 फॉर्मूले, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे रहेंगे, और नेशनल इनकम में आउटपुट मेथड, वो सेल, चेंज स्टॉक, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड जी। अब बेटा क्लास स्टार्ट करो, लिखा हुआ वैल्यू बजट, ध्यान व्हाइट बोर्ड पे, वैल्यू एडिट का मतलब है पूरे देश का एक साथ निकालना, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। क्या लिखा हुआ है? वैल्यू एडिट, पूरे देश का एक साथ निकालना, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। वो करवाया था सेल प्लस चेन, मैं रिकॉल भी करवा दूंगा, घबराइए मत, सेल प्लस चेन स्टॉक आउटपुट माइनस इंटर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनडीपी माइनस एनआईटी एफसी प्लस एनएफआई नेशनल इनकम। हां जी ना जी, वो कुछ तो याद होगा, भूल गया करवा दूंगा, हां तो बोल दे, सेल प्लस चेन, सेल सेल प्लस चेन आउटपुट माइनस इंटर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनआईटी तो कुछ और तरीका होगा, वैल्यू एडेड पूरे देश का एक साथ, आउटपुट मेथड, और अगर लिखा हुआ बाय फर्म, By form, A, B, C form, X, Y, Z form, कुछ और तरीका होगा। आज हम लोग खंडेलवा था वही करेंगे, वैल्यू एडेड देश का नहीं, बाय फॉर्म अलग अलग, देखो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म, अलग अलग फॉर्म का निकालना वैल्यू एडेड, देखो पूरे देश का हिस्सा आज सचिन सर करवा रहे हैं अलग अलग फॉर्म का, पूरा वन आवर में एक्सपर्ट बना दूंगा, लेकिन ध्यान देना होगा प्यारे बेटा। यहां पे फॉर्म का नाम लिखते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, फॉर्म का नाम जो भी है एबीसी, आउटपुट माइनस इंटर वैल्यू एडेड, इस कॉलम में एंट्री करेंगे सेल्स, क्या यहां पे ए की सेल, यहां पे बी की सेल, यहां पे सी की सेल, इस डब्बे में ए की सेल, इसमें बी की सेल, इसमें सी की सेल। सेल का उल्टा होता है दिवांशु बेटा, सेल का उल्टा होता है परचेस, यहां पे ए की परचेस, यहां पे बी की परचेस, यहां पे सी की परचेस, ये आउटपुट कॉलम है, इंटर कॉलम है, ए की सेल, बी की सेल, सी की सेल, उल्टा ए की परचेस, बी की परचेस, सी की परचेस, ए का एक्सपोर्ट, बी का एक्सपोर्ट, सी का एक्सपोर्ट, उल्टा इंपोर्ट, ए का इंपोर्ट, बी का इंपोर्ट, सी का इंपोर्ट, चेंजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक,
सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक का उल्टा कुछ नहीं बनेगा। चेंज इन स्टॉक, सर आप सेल का उल्टा परचेज बोल रहे हो, एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज स्टॉक का उल्टा कुछ नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। सेल, एक्सपोर्ट, चेंज स्टॉक, इन तीन के टोटल में से परचेज इंपोर्ट माइनस हुआ वैल्यू एडेड। इन तीन के टोटल में से दो माइनस हुआ वैल्यू एडेड। तीन के टोटल में से दो माइनस हुआ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का टोटल जीडीपी एंट्री याद कर, तेरी पिटाई होने वाली है। सेल्स, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक उल्टा नहीं होगा। सेल, एक्सपोर्ट, चेंज स्टॉक के टोटल में से परचेज इंपोर्ट तीन में से दो गया वैल्यू एडेड। तीन में से दो गया वैल्यू एडेड। इन वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का टोटल जीडीपी एमपी, जीवीएमपी, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का टोटल जीडीपी एमपी, जीवीएमपी। हम लोग कर रहे हैं वैल्यू एडेड बाय अलग अलग फॉर्म, नो नोटिंग। हाफ एन आवर में करवा दूंगा एक्सपर्ट। गाइड मी, कौन सा मेथड है? उद्देश्य आउटपुट। अब वही आप टीचर डे खेलते हैं। अगर ये लिखा है वैल्यू एडेड, क्या है? पूरे देश का आउटपुट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वही सेल, चेंज स्टॉक। और अब ये क्या लिखा है? अलग अलग फॉर्म। विच मेथड? आउटपुट। और ये लिखा है क्या है? आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, वही सेल प्लस चेंज स्टॉक। और ये क्या लिखा है? बाय इंडिविजुअल फॉर्म, एक्स वाई जेड, फर्म का नाम, एक्स वाई जेड, जो भी होगा। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड। ये जो कॉलम है किसका है? और ये कॉलम किसका है? इंटर, वन टू वन, मेरे को नहीं याद दिख रहा है। ये जो कॉलम है किसका है? आउटपुट। और ये जो कॉलम है किसका? इंटर। पक्का? ये आउटपुट और ये इंटर। यहाँ पे एक्स की सेल्स, किसकी एंटर लिखेंगे? एक्स की सेल, एक्स की सेल। यहाँ पे वाई की सेल, यहाँ पे जेड की सेल। ओके पुत्र, इस डब्बे में एक्स की सेल, वाई की सेल, जेड की सेल। सेल का उल्टा, सेल का उल्टा। तो यहाँ पे एक्स की परचेज, Y की परचेज, Z की परचेज। क्लियर? सेल, X की परचेज, X की परचेज, सेल, परचेज, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस प्लस, इन तीनों के टोटल में से दो को माइनस करोगे वैल्यू एडेड। तीन के टोटल में से दो को माइनस करोगे वैल्यू एडेड। तीन के टोटल में से दो को माइनस करोगे वैल्यू एडेड। वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू द टोटल जीडीपी या जीबीएमपी। नहीं सर, उत्तर नहीं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन राउंड लगा पहले ले आओ फ्रेमवर्क देख बेटा ये जो बॉक्स बना रहे हैं मेरी लाइन सुनना ये जो बॉक्स बना रहे हैं इसमें सिर्फ फॉर्म की एंट्री होगी क्योंकि टॉपिक का नाम है वैल्यूड बाय फॉर्म ये जो डब्बा बना रहे हैं इस डब्बे में एंट्री होगी कृष्णांगी बेटा फॉर्म की फॉर्म के अलावा सुन गिनियो गवर्नमेंट की एंट्री हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड बाद में आ क्योंकि टॉपिक का नाम है वैल्यू एड बाय फॉर्म वैल्यूड बाय इस डब्बे में एंट्री करेंगे सेल परचेज एक्सपोर्ट चेन स्टॉक ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट नहीं हाउस होल्ड नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं वो इग्नोर मारेंगे देख चाचू और आपसे ये गवर्नमेंट की एंट्री नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड की एंट्री नहीं कंज्यूमर हाउस होल्ड की एंट्री नहीं सिर्फ फॉर्म बुलेटिन सब ना देख सेल बाय ए टू बी परचेज बाय बी फ्रॉम सी आराम से टर्म स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को पढ़ो अच्छा एक हाला का जवाब देना अगर मैं सेल करता हूं तेरे से सेल करी तेरे को तो तेरी परचेज नहीं हुई बोल भाई मैं सेल कर रहा हूं तेरे को तो मेरी सेल तेरी परचेज नहीं हुई ठीक कह रहा हूं मेरी सेल तेरी परचेज और अगर मैं तेरे से खरीदता हूं तो मेरी परचेज तेरी सेल सर एक पार्टी की सेल है तो दूसरी क्या होगी सेंटर प्रेस जबान पे लगाऊं जबान पे लगाऊं अगर एक पार्टी दो पार्टी के नाम लिखे हुए हैं एक की सेल दूसरे की परचेज तेरी परचेज तेरी सेल ठीक कह रहा हूं अब इसी को क्यों पुलिस साहब सेल मेरी तेरी परचेज मेरी सेल चलो इस कहानी को पढ़ के बताओ सेल बाय ए टू बी किसकी सेल है देख के बताओ सेल बाय ए टू बी किसकी सेल है ए की सेल साइड में एंट्री बी की परचेज साइड में एंट्री ठीक है ना उधर देखियो किसकी सेल ए की दूसरे भाई की परचेज पढ़ किसने खरीदा किसने खरीदा बी भाई की परचेज साइड में एंट्री दूसरे भाई की सेल साइड में एंट्री मेरे को नहीं देखना ये ले एक बताता हूं जिसके साथ देखो ना बाय उसने वो काम करा ठीक है बेटा बाय सेल बाय परचेज बाय तो मेरी प्यारी बहन जहां पे बाय लिखा है सेल बाय परचेज बाय वो पार्टी हुआ सेल वाली परचेज तो दूसरी ये देख किसकी सेल है दूसरे की परचेज परचेज किसकी दूसरे की पक्का किसकी सेल साइड में परचेज साइड में परचेज में सेल ओके सर नेक्स्ट आराम से रिक्वेस्ट करके व्हाइट बोर्ड पे लिखना गुलाटी को नहीं किसकी सेल है सी की सेल दूसरे भाई की परचेज किसकी सी की सेल साइड में गवर्नमेंट की परचेज है अभी गुलाटी ने बताया एग्जैक्टली हम ये जो डब्बे में एंट्री करेंगे सिर्फ किसकी ये जो डब्बे में एंट्री करेंगे सिर्फ फॉर्म 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 तो फॉर्म की एंट्री होगी गवर्नमेंट की एंट्री इग्नोर तो बॉक्स में एंट्री करनी है सेल परचेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेन स्टॉक ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट की एंट्री हाउस होल्ड की एंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड की एंट्री तो इसकी एंट्री होगी वो फॉर्म नहीं है नेक्स्ट परचेज
by rest of the world from A. किसकी परचेज? आधी बात तो आधी बात में पहले कहानी लिख लेंगे देन पोस्टिंग. किसकी परचेज? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की परचेज. दूसरे भाई की से परचेज किसकी? अब्रॉड की, उसकी से फर्म की एंट्री करेंगे. ये फर्म की फर्म नहीं है, समझ गई? किसकी परचेज है? आराम से पढ़ ले. बाय किसका लिखा है? मेंटल एक नंबर का. बाय शब्द किसका लिखा है? ग्रामर नहीं आती. परचेज फ्रॉम ए बाय बी. किसने करा? बाय बी. बाय यार अभी बता रही था बाय शब्द लिखाओ सेल में परचेज में वो काम उस पार्टी ने करा होगा. फिर घूमी आ रहा है. ओके बाय जो शब्द लिखा है सेल परचेज उसने वो काम करा. तो बाय किस शब्द है? परचेज दूसरे की सेल. सेकंड लास्ट बाय किसके साथ लिखा है? बाय किसके साथ लिखा है? गवर्नमेंट. दूसरे बात भाई की फॉर्म की एंट्री करेंगे इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये फॉर्म नहीं है. क्लियर है? ये जो मैंने रूल बताया क्लियर है? अब हम लोग पोस्टिंग पोस्टिंग खेले पक्का. ये तो एक लेआउट हो गया. हर्ष पोस्टिंग पोस्टिंग खेलते हैं. हर्षित अनन्या दीपांशु कृष्ण कृष्णांगी सरुदा साहब तलवी विपुल जसुंदर रीति इंदर पीयूष चौरवी हर्षिता केशव खंडेलवा साहब ऋषि साक्षी. यहाँ पे नाम अब टीचर डे शुरू हो गया. यहाँ पे फॉर्म का नेम ठीक है उत्तर बच्चे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. Skills किसकी? Skills B. Sales C. Purchase A. Purchase B. Purchase C. Export. 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 Import. Change in stock. Change in stock. Change in stock. Thank you. Online roll up शुरू है. इन तीन के total में से दो minus होगा. इन तीन के total में से दो minus होगा. Value of A.
टी में दो हो गए वैल्यू एडेड, टी में दो हो गए वैल्यू एडेड, वैल्यू 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 का टोटल या जीवीएलपी। इन शॉर्ट 5 सेकंड है, वैसे अपलोड हो जाएगी रात तक, वैसे अपलोड हो जाएगी रात तक, टेकन मुंह नहीं चलेगा, तीन सौ टेकन। ओके मैं तो कुछ बच्चों नाम बता रहा हूँ, मैं नैतिक उमेश और सचिन तीनों मिलके जा रहा नो entry of government rest of the world household but government ke baad hum log application start karne wale aur ye jo karwa raha 4 marks ka aata hai theek hai beta ye 1 mark ka numerical nahi hai 2 mark ka aata hi nahi 3 ka nahi hai putar ye 4 mark ka hai nahi beta nahi mcq mein aa sakta hai ki output माइनस इंटरमी सेल प्लस फॉर्मूला बेस्ड केस स्टडी बेस्ड एसर्शन बेस्ड गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउसहोल्ड की कोई एंट्री नहीं ओनली ऑफ फॉर्म्स। नेक्स्ट अगर चेंज इन स्टॉक ना दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। आउट से बढ़ा है, मैंने भी बताया 3 बार क्या रहा मेरे को चेंज स्टॉक का अदर नेम इन्वेंटरी, स्टॉक का अदर नेम इन्वेंटरी। अगर स्टॉक ना दे रखा हो चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस स्क्रीनशॉट बेटा आज की सबसे मेन एंट्री एक्स्ट्रा प्लोटिव जहां पे गलती हुई थी मेरी, बेटा प्लीज सेल बाय ए टू बी, सेल बाय सी टू ए, सेल बाय बी। सब बच्चे एंटी हो गए, देखिए बेटा सेल में दोनों पार्टी का नाम लिखा है, सेल में दोनों पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब है इसकी इंडिविजुअल सेल है इसकी परचेज है। Attentive, sale
अब मैं जो बता रहा हूं सेल में होता है, ऐसा परचेज में नहीं होता। ओके, अब जो गुलाटी सर बता रहे हैं सिर्फ ये पंगा पड़ता है सेल्स में, किसमें? सेल में। इसमें 5 मिनट लगाना है, फिर एप्लीकेशन फिर समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, 4 नंबर पक्के करेंगे। ऐसा पंगा होता है सिर्फ सेल्स में, परचेज में नहीं। अंशु जी ये देखो, सेल में दोनों पार्टी का नाम लिखा है, इसकी इंडिविजुअल सेल, इस भाई की परचेज। दोनों पार्टी का नाम लिखा है, इसकी इंडिविजुअल सेल, इसकी परचेज। सिर्फ एक पार्टी का नाम लिखा है, दूसरी पार्टी का नाम नहीं, इसका मतलब है टोटल सेल्स गिवन है। रिपीट, क्या लिखा है ये? सेल, दोनों पार्टी। क्या लिखा है? सेल, दोनों पार्टी। तो इसकी इंडिविजुअल, इसकी परचेज, इसकी इंडिविजुअल, इसकी परचेज। सिर्फ सेल शब्द लिखा है, बाय ए, बाय बी, बाय सी, इसको करा लिखा नहीं है, इसका मतलब टोटल सेल्स गिवन है। क्या दोनों पार्टी का नाम है? दोनों पार्टी के नाम है इंडिविजुअल सेल, दोनों पार्टी के नाम है इंडिविजुअल सेल, समझिए, दोनों पार्टी के नाम है इंडिविजुअल सेल, दोनों पार्टी के नाम है इंडिविजुअल सेल। अगर सिर्फ एक पार्टी का नाम लिखा है, किसको बेचा, दूसरी पार्टी का नाम लिखा नहीं है, इसका मतलब है टोटल सेल्स है। क्या है? टोटल सेल्स। क्या ये? ये देख, जब टोटल सेल गिवन होती है तो इसका मतलब है इंडिविजुअल सेल बीच में आ गई, एक्सपोर्ट बीच में आ गया, सेल प्रोडक्शन बीच में आ गया, दोबारा ऐड नहीं करेंगे। क्या देख रहा हो? टोटल सेल, इंडिविजुअल बीच में आ गई, एक्सपोर्ट बीच में आ गया, सेल बीच में आ गया, डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। रिपीट, ऐसा पंगा सिर्फ सेल्स में होता है, परचेज में नहीं होता। सर 100% क्लियर नहीं हुआ अभी, मैंने 100% दिया भी नहीं लास्ट। रेडी, इसमें गलती डांट पड़ेगी होलसेल में। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेल। गुलाटी को जवाब गुलाटी की भाषा में, कौन सा कौन सा है? सेल। क्या दोनों पार्टी है? तुम भी बोलो, तुम भी पढ़ते हो, तुमने मेरे से फीस रखी है, तुमने फोन नंबर लिखा नहीं है, दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी है सेल में, दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी है जी। इसकी इंडिविजुअल सेल, इस भाई की परचेज, इस भाई की इंडिविजुअल सेल, इस भाई की परचेज, इंडिविजुअल परचेज, इंडिविजुअल परचेज। दूसरी पार्टी का नाम लिखा है, सेल लिखा है, दूसरी पार्टी का नाम लिखा है ना, तो बेटा ये क्या होगी? टोटल। क्या होगी? टोटल। तो बेटा ये लिख, जब टोटल सेल गिवन होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है इंडिविजुअल सेल्स, ऑलरेडी आ चुका है एक्सपोर्ट, ऑलरेडी आ चुका है सेल्फ प्रमोशन। क्या गिवन है? टोटल। तो राहुल जी इंडिविजुअल आ गया ऑलरेडी, एक्सपोर्ट आ गया, ये दोबारा दोबारा नहीं लेंगे, हो गया 100% एप्लीकेशन करें, ठीक है सर। सेल्स में होता है ये पंगा, परचेज में नहीं। किसमें होता है? सेल्स में, परचेज में नहीं। ओके सर जी, गाइड कर रहा, मुंह बंद। तो वो काम उसने करा, इसकी इसकी थैंक यू परचेज साइड में एंट्री, दूसरी की सेल साइड में एंट्री, परचेज साइड, सेल साइड। हाँ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर चीज। किसकी परचेज है? गाड़ी बोल दो, किसकी परचेज? बाय सी की परचेज साइड में,
किसकी थेल? दोनों पार्टी के नाम है, दोनों पार्टी के नाम है, किसकी थेल? ए की इंडिविजुअल सेल, दूसरे भाई की परफेंस। टोटल इट इज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के अंदर ऑलरेडी आ जाता है इंडिविजुअल सेल्स। प्रोडक्शन फॉर फैमिली यूज, सेल्फ प्रोडक्शन, स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी चीटो स्क्रीनशॉट। अब दो क्वेश्चन बेस बना दिया, अब दो क्वेश्चन करेंगे, आप हेल्प करेंगे, ठीक है, आप सेक्शन पर बन गए। नैतिक ध्यान दे बेटा, सारे पॉइंट्स कवर कर लूंगा, ठीक है, रेडी आप, रेडी मैं रेडी। सेल बाय ए टू सी, सेल बाय बी टू ए, परचेज बाय ए फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ए, सेल बाय ए, आंसर अगर माइनस में आ गया ना आएगा नहीं, क्योंकि सेल्फ मेड इसलिए आ जाएगा, सेल्फ मेड खुद ही डिजिट ले रहा हूं, आंसर माइनस में होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का भी माइनस में ये सामान बना, पॉजिटिव वैल्यू माइनस डिस्ट्रक्शन, तो वो प्रोडक्शन कैसे हुआ? प्रोड्यूस हुआ दो यूनिट, पांच यूनिट माइनस टू, ओके समझ गए। फॉर्म का नाम आउटपुट माइनस इंटर वैल्यू एडेड, किसी तीन फॉर्म है ए बी सी। सेल्स परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, देखते रहना बेटा। ठीक, सेल में दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी है, इस भाई की सेल, इस भाई की, पहले ऐसे लिख लेना, पहले क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लिख लेना, फिर पोस्टिंग करना, ओके बेटा, कल लिख लेना, ओके अर्जी, ठीक है सर, ये लिखें, इस भाई की सेल, दूसरे भाई की परचेज, इस भाई की सेल्स,
दूसरे भाई की परचेज, इस भाई की परचेज, इस भाई की सेल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की परचेज, इस भाई की सेल्स, इस भाई की टोटल सेल्स, इस भाई की टोटल सेल्स। इंडिविजुअल सेल, सी की परचेज, यदि परचेज सेल, क्या बोल रहा हूं, सेल परचेज, सेल साइड मैंने यहां लिख लिया आई इंडिविजुअल, किसकी सेल, बी की, चलो बी, बी की सेल, ए की परचेज, ये सेल्स है, ये परचेज है, ये सेल्स है, ये परचेज है, किसकी परचेज, ए की, इसकी तो एंट्री होनी नहीं, चल परचेज, परचेज किसकी परचेज, लेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हट, वी की सेल्स, वी की सेल, ए की सेल, ये क्या है टोटल, ये क्या है टोटल, टोटल ये टोटल गिवन है, तो क्या ये इंडिविजुअल वाला लेंगे, क्या देर का टोटल, इसलिए मैं साथ साथ वहां पे आई लिख रहा, टी लिख रहा था, मैंने क्या करा था अपने डाइम में बैठा, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया था इंडिविजुअल, हाँ बता रहा हूँ भाई इसमें क्या गलती, किस बात शर्म, गलती सर यहां गलती करो, यहां पे टेस्ट ले लो, एग्जाम में चाहिए फुल नंबर, क्यों, क्योंकि ये टोटल सेल्स है, हमने इंडिविजुअल सोर्स को इग्नोर कर दिए, क्या ये टोटल सेल्स, तो इंडिविजुअल हमने इग्नोर कर दिए, सारे एंट्री हो गया, 1000 में से 200 गए, 800 में से अंडा गया, कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 1000 में से 200 गया, 100 में से 0 गया, 100, 0 में से माइनस किया, 9 में से बढ़ गया, 800 हमारा आ गया जीडीपी, स्क्रीनशॉट, जल्दी बता, एक और खेलेंगे, जल्दी मेरे चीते, टेकन मुंह नहीं चलेगा भाई, ठीक है, ओके, नेक्स्ट फॉर्म का नेम आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू एडेड, सेल्स परचेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अच्छा अगर चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग माइनस, अगर चेंज इन स्टॉक ये 2022 में पेपर आपका, ठीक है नेक्स्ट ईयर तो नहीं ना,
11th वाले बच्चे से 12th वाले उनके साथ देंगे। नहीं नहीं आपका जो बैच होगा बेटा वो 21-22 मैं ये बताना चाह रहा हूँ 21-22 तो 22-23 में तो नहीं देना पेपर, ये पूछा था। ऐसा तो नहीं कि वो 11th वाले 12th में देंगे तो दोनों भाई बहन इकट्ठे पेपर देंगे, ऐसे हिसाब तो नहीं है। अभी वो एक साथ छोटी है हमारे बहन किसी और की, तो ये पांच वर्षीय योजना सवाल कर रहा अपने पास, ठीक है, इसको यहाँ पे हाई मत करो। सेल एक्सपोर्ट परचेसिंग को चेंजिंग स्टॉक ना गिवन ऑफ क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस परचेस बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बी sale by A to C, sale by B, sale by C to A, export by B, purchase by government by B. 100, 100, 100, 200 आइए बोला था ये जो स्टेटमेंट होंगी ना पेंसिल से सुनो, पेंसिल से वैसे क्वेश्चन पेपर फिर वही हम लोग दिमाग से छटाने खेलेंगे। क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, पेपर कैंसिल हो जाता है। जो 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, इट डजंट मीन कि यू हैव टू मार्क, लेकिन आप शैतानी करना पेंसिल से लिख रहा हो। सुनो बेटा आपके पास 15 मिनट होते हैं पढ़ने के लिए, टीचर के पास 15 मिनट होते हैं इतने सारे काम करने के लिए, अटेंडेंस भरवाएगा, आंसर शीट बांटेगा, क्वेश्चन पेपर बांटेगा 40 बच्चों को, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है पढ़ने के लिए, मेरे पास तीन तीन काम है, 40 बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी देना है, आंसर शीट भी देनी है, साइन भी करवानी है अटेंडेंस पे, ते मैच भी करना है, जो फोटो यहां पे वो तो ही है, हाँ हाँ मैच भी करना है। तो वो जो क्वेश्चन पेपर भी इतना बॉदर नहीं करता। हाँ सर इस बार 40 नहीं 20 बच्चे हैं तेरे यार, ये ना खेलते ना बेफा, तूने ऑडिट करानी है अच्छा एक क्लास में, अच्छा तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे तेरे की क्लास में है, अच्छा। तो बेटा आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पेपर पेंसिल से मार्क कर लेना, पेंसिल से मार्क कर लेना, अगर इनकेस टीचर ने ऑब्जेक्शन करा इरेज कर देना, सुना मेरी चेतावनी, पहली बात ऑब्जेक्शन करता नहीं, पेंसिल से लिखियो पेन से नहीं क्योंकि पेन से इरेज नहीं होगा। इन केस टीचर ने बोला पेपर कैंसिल नहीं होता, तीन वार्निंग दी जाती है, बोला बेटा ये क्या कर रहे हो, पेपर कैंसिल हो जाएगा आराम से, सॉरी मैम सॉरी सर आप इरेज कर देना, अगर आप लोग इरेज करेंगे फिर भी नीचे लिखा हुआ इंप्रेशन दिखाई देता है, हाँ जी हाँ जी समझ गए, आपने टीचर की बात भी रख ली। इन केस कल को चिल्लाता है चिल्लाती है कि बेटा आप क्या कर रहे हैं पेपर कैंसिल, तो आप आराम से सॉरी बोल देना, इरेज कर देना, इरेज करोगे फिर भी जो तूने लिखा है वो दिख रहा है, तो मैडम की बात भी रह गई, लिखा भी नहीं हमारी बात भी रही, हमने मार्क कर लिया जी। अगर आप लोग टीचर से मिसबिहेव करते हैं, सुन लेना बेटा, अगर आप लोग टीचर से मिसबिहेव करते हैं, ये हमारे कौन से स्कूल की टीचर है, कौन से हमारे स्कूल की टीचर है, अगर आप मिसबिहेव करते हैं कुछ नहीं करेगा वो, आप जब जाओगे आपके आंसर शीट पे लिख देगा, आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा, उसे बोलते हैं रिजल्ट अपहेल्ड जी। बहुत सारे बच्चों को होता है आप मिसबिहेव करते हो, लड़ते हैं आप बाहर मिलियो तू, टीचर तो तब को बोल देते हैं, ठीक है बेटा कुछ नहीं करेगा, आपके आंसर शीट पे लिख देगा रिजल्ट अपहेल्ड, सारे बच्चों को रिजल्ट आएगा पास, अच्छे नंबर पास, कई बच्चों की कंपार्टमेंट आई
फेल हुए आपका रिजल्ट ही नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स के साथ चक्कर लगवाते सीबीएसई की बिल्डिंग निर्माण विभाग चक्कर लगाएगा, फिर एंड में बोलेगा बेटा पास आए फेल है दो महीने के बाद, इसे बोलते हैं रिजल्ट अपहेल्ड, पंगा मत लेना किसी भी एग्जाम में, इसको बोलते हैं अपहेल्ड। करके देखियो आइए, किसकी परचेज है, किसकी परचेज, गवर्नमेंट की परचेज, गवर्नमेंट की परचेज, बी की सेल्स, ए की सेल, सी की परचेज, देखते रहिए भाई, गवर्नमेंट की परचेज, बी की सेल, ए की सेल, सी की परचेज, बी की टोटल सेल्स, सी की सेल, ए की परचेज, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट का परचेज, बी का सेल, अभी क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है तो ये एक्सपोर्ट नहीं आएगा, है ना बेटा, क्या दे रखा है, टोटल तो ये एक्सपोर्ट नहीं आएगा और ये इंडिविजुअल नहीं आएगी, इंडिविजुअल नहीं आएगी, टोटल दे रखा है, इंडिविजुअल नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगी। सैटरडे को छुट्टी मत करना, संडे क्लास होगी एक्स्ट्रा बता दूंगा, संडे से पहले भी कुछ एक्स्ट्रा क्लास दूंगी, संडे के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास दूंगी, सैटरडे छुट्टी मत करना, ऐसे ही खतरनाक टॉपिक होगा, बाय बाय, आपके डांटे से पहले छोड़ दूंगा।